सबको पता है इसकी क्वालिटी क्या है। दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है 1.2 लीटर के साथ, और स्पेस तो है ही भाई, ठीक। उसके बाद भी वो यहाँ तक आ गए थे और वो काफ़ी ईजिली आ चुके थे। जब गाने चेंज करने हो, सपोज आगे आपके दो भाई बैठे हैं, एक साइड टच होती है ना, ये वी एक साइड टच नहीं होती है, पता। सो हे गाइज, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है 5 थिंग्स दैट आई लाइक इन वैगनार। अब इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, द 5 थिंग्स दैट आई डोंट लाइक इन वैगनार, वो थी। अब है 5 थिंग्स दैट आई लाइक इन वैगनार, वो बताता हूँ मैं आपको क्या है वो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस गाड़ी में इतना स्पेस मिलेगा कि इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में इतना स्पेस नहीं मिलता है। मैं दिखाता हूँ कैसी। देखो, ये सीट मैंने काफ़ी पीछे कर रखी है, जब भी मुझे इतना स्पेस मिल रहा है यहाँ पर। और हेडरूम में मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। तो स्पेस के मामले में तो ये गाड़ी काफ़ी शानदार है। मतलब आपकी फैमिली कोई कोई दिक्कत होगी नहीं स्पेस की वजह से, क्योंकि तो स्पेस तो इसमें काफ़ी भरपूर मिलता है आपको। देखो, मेरे जैसा इंसान भी ना इसमें यार, मैं देखो जैसे मुझे अब गाने चेंज करने हों, सपोज आगे आपके दो भाई बैठे हैं, गाने अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो मैं देखो खड़े होकर दिखाता हूँ आपको भी। देखो, आराम से खड़े होकर मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, नहीं मेरा सर टकरा रहा। देखो, आधा तो मैं खड़ा हो चुका हूँ इस पर बहुत आराम से। तो स्पेस के मामले में तो वैगनर को 10 में से 10 नंबर ही दूंगा मैं, इतना स्पेस नहीं मिलेगा भाई किसी गाड़ी। जब स्पेस की बात आ रही है तो इसका बूट स्पेस भी, चलो मेरी वाली तो पेट्रोल है, अगर ये CNG भी होती ना, जब भी इतना स्पेस मिलता है इस गाड़ी में यार, मतलब कि CNG के बावजूद भी आपके 2-3 बैग बहुत प्यार से आ जाएंगे। अब बहुत बार ये कहेंगे कि टाटा CNG में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब टाटा के में तो नीचे ट्विन सिलेंडर आ चुका है तो स्पेस मिलेगा। बट जब टाटा भी नहीं आई थी ना, जब भी इस गाड़ी में इतना स्पेस था कि अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में शादी हुई थी, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें एक सब वूफर थे, काफ़ी बड़े थे, तो वो लेट कर तो आ गए थे बहुत प्यार से ही, वो मैंने खड़े करने की कोशिश करी थी, वो खड़े करके भी, ये पार्सल ट्रे तो मैंने हटा दी थी, उसके बाद भी वो यहाँ तक आ गए थे और वो काफ़ी ईजिली आ चुके थे इसमें, और आगे भी सामान आ गया था। तो स्पेस के मामले में तो गाड़ी नंबर वन है ही है। बूट स्पेस इसमें आपको 350 लीटर का मिलेगा, 350 के करीब मिलेगा आपको बूट स्पेस, और काफ़ी बड़ा यार। देखो, नीचे गहरा भी है। अब बहुत ये कहते हैं भाई नीचे गहरा है तो दिक्कत आती है, कुछ दिक्कत नहीं आती, जितना गहरा उतना बढ़िया। अब थोड़ा सामान ही तो रहेगा, थोड़ा उठा उठा कर निकाल लो ऐसे, स्पेस काफ़ी मिलेगा। और इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, अब जैसे ही मैं पार्सल ट्रे हटा दूंगा, और ये पार्सल ट्रे हटा दिया ना मैंने, तो इसमें आपको 60-40 का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आपका स्पेस और बढ़ जाता है। अब आप किस देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, अब इसमें आप स्पेस देखना कितना स्पेस आ गया है। अब देखो, अब सीट भी फोल्ड हो चुकी है, तो स्पेस के मामले में तो वैगनार को मैं 10 में से 10 ही दूंगा भाई, डिग्गी के मामले में भी। थर्ड पॉइंट इस गाड़ी का जो नेटवर्क है, सर्विस नेटवर्क, वो इतना अच्छा है पूरे इंडिया में। इस गाड़ी के पार्ट्स आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे, हर जगह पर इसकी सर्विस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यार आप वहाँ चले गए तो आप इसको इसका पार्ट ही नहीं मिल रहे। मारुति है भाई, सब जगह कोई भी आपको मकैनिक मिल जाएगा जिसको ठीक कर दे। और इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। सबको पता है इसकी क्वालिटी क्या है, फिर भी लोग इसको क्यों ले रहे हैं। लो मेंटेनेंस, स्पेस ज़्यादा, दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है, 1.2 लीटर के साथ, 1 लीटर के साथ, प्लस CNG में आती है, और स्पेस तो है ही भाई। और देखने में भी काफ़ी सही लगती है, काफ़ी बड़ी बड़ी सी लगती है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई वन ऑफ द बेस्ट कार है इन द सेगमेंट में। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, कल को आप इस गाड़ी को अगर बेचोगे भी तो ये गाड़ी आपकी काफ़ी अच्छे प्राइस में निकल जाएगी, क्योंकि मारुति का एक नाम है जो कि शुरू से रहा है। इसमें बेशक कोई सी भी गाड़ी आई सही, मरे से मरा वो काफ़ी अच्छा प्राइस दे जाती है। अभी कुछ दिन पहले घर में बता रहे थे एक मेरे की 2021 मॉडल है वैगनार CNG में, वो 6 लाख की मिल रही है, तो 6 लाख की मिल रही 2021 मॉडल। और कल को मैं इसे 1 लाख चलाने के बाद पेट्रोल पर, उसके बाद मैं इसको बेचूंगा ना, तो लोग इसलिए भी लेंगे कि यार पेट्रोल भी चलिए गाड़ी, तो मैं CNG लगवा लेंगे, अच्छा काम कर देगी, 2-3 साल निकाल देगी बहुत प्यार से, तो इसलिए भी लोग इसको लेंगे, और CNG की भी लेंगे भाई, CNG का भी नाम है काफ़ी। नंबर 5, इसमें आपको 14 इंच का टायर मिलेगा VXI मॉडल में, जो कि एक प्लस पॉइंट और बन जाता है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि ना जहाँ पर VXI टच हो जाती है, आ जाओ आप आ जाओ, वीडियो चल रही है उधर, चलो हाँ जी, तो आ गया था डोगी। तो जहाँ पर LXI टच होती है ना, ये VXI टच नहीं होती है। बताओ मैं टच कहाँ से होती है, देखो साइड से कभी टच नहीं होगी गाड़ी आपकी, यहाँ से टच होगी, ये टच होती है सामने से, बताऊँ कहाँ से,
बीच में ना इसमें कुछ थोड़ा नीचे की तरफ है वो, तो वहां से जरूर लगती है बीच में से। साइड से कभी टच नहीं होगी आपकी ये गाड़ी, पर बीच में से जरूर टच हो जाएगी ये वाली भी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करके जाएं। चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, थोड़ा बिजी चल रहा था इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।